लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हुई धांधली और अभद्रता को लेकर पलिया विधानसभा में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सैफ अली नकवी ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में होने वाली धांधली और अभद्रता को लेकर काफी आक्रोश जाहिर किया। साथ ही उन्होंने पलिया विधानसभा में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में प्रत्याशी और प्रस्तावक के साथ अपहरण जैसी वारदात को अंजाम देने और इस तरह की अपवित्रता और अराजक फैलाने वालों के खिलाफ पत्र देने के बावजूद भी किसी तरह की कार्यवाही ना होने के चलते काफी आक्रोश व्यक्त किया, जिसको लेकर उन्होंने आरोपियों पर कोई कार्यवाही ना होने को लेकर आगे की रणनीति तैयार की, जहां पर उन्होंने कांग्रेस की प्रदेश महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन की बात कही। देखिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जिस तरीके से पलिया ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी राजन यादव के ऊपर और उनकी प्रस्तावक थारू जनजाति की महिला रनु राणा जी के ऊपर प्रहार किया गया, भाजपा का प्रायोजित प्रहार किया गया, आप लोग को अपशब्द कहे गए, राजन यादव जी को धक्का मुक्की करी गई, इनको अपहरण करने की कोशिश की गई, रनु राणा जी को अपहरण करने की कोशिश की गई, आपका बैग छीना गया, भद्दी गालियां कही गई, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे दो तहरीरें दी थी कि जो लोग भी इसमें हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई हो। ये दोनों तहरीरें पिछले 12 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज जब 12 दिन कंप्लीट हो गए तो कांग्रेस पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि प्रियंका गांधी जी अभी मोहम्मदी आई थी और उन्हीं ने ये संकल्प लिया है, हम लोग को सहारा दिया है कि इस लड़ाई को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने के लिए, इस लड़ाई को अंतिम पड़ाव पहुंचाने के लिए थारू जनजाति की महिला और हमारे पिछड़ा समाज से हमारे राजन यादव की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्पित हैं, समर्पित हैं और इस लड़ाई को आगे तक निर्णायक मोड़ पर लेने के लिए प्रियंका गांधी जी का आशीर्वाद लखीमपुर की हर महिला के साथ में है। और ये आश्वासन दिया है प्रियंका गांधी जी ने कि अगर ये लड़ाई जैसे चाहे वो मोहम्मदी की बेटी की हो चाहे पलिया की बेटी की हो, अगर ये लड़ाई में कहीं पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजन यादव ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी और सब लोग मिलके यहाँ पे अनशन करेंगे और इसका भरपूर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का काम करेंगे। इस सारी घटना से किसको? देखिए, ये जो एक कुंठित सोच होती है, कहते हैं पैर की सोच, पैर की मोच और कुंठित सोच बड़ी खतरनाक होती है। पुलिस जो है वो पैर की मोच और कुंठित सोच के साथ में काम कर रही है। पतन की परिकाष्ठा, जिस दिन लखीमपुर में पंचायत चुनाव के परिणाम आए, सरकार की शुरू हो चुकी है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी जब आए थे निघासन में तब भी इंसाफ हुआ था, प्रियंका गांधी जी ने मोहम्मदी में इंसाफ कराया और प्रियंका गांधी जी, मैं पूरे उम्मीद कर रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रत्याशी राजन यादव और हमारी प्रस्तावक रनु राणा जी जो कि थारू समाज से हैं, थारू समाज की बेटी के लिए जल्द ही आवाज भी उठाएंगी और मिलकर हम लोग सब यहाँ पे उनकी रक्षा करेंगे।